ट्रियाज का पहला एपिसोड स्टार्ट होता है। दिन तोल को कहता है, तुम आज मरने वाले हो। फिर हमें एक कार एक्सीडेंट दिखता है। नर्स तोय दिन को जगाता है। दिन कहता है, सॉरी मैं सो गया, बहुत सारा काम है। नहीं, डॉक्टर तोय कहता है, ऐसा लगता है कि हम वॉर पे हैं। और वो दिन को एक बॉटल देता है और कहता है, तुम्हारी एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए, तुमने खाया भी नहीं है। दिन बॉटल को लेने जाता है और उसका स्टेटोस्कोप नीचे गिर जाता है। वो स्टेटोस्कोप को उठा के टेबल पे रखता है और ड्रिंक पीता है। तो ये कहता है, तुम अभी भी लॉन्ग केस को क्यों स्टडी कर रहे हो, एग्ज़ाम तो ओवर हो चुकी है। दिन कहता है, मुझे ये फिर से करना पड़ा था, वो केस तो डिफ़िकल्ट था ही, और प्रोफेसर विचित इवेल्यूएटर थे तो मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। दो कहता है, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्रोफेसर विचित बहुत ही प्रोफेशनल है, वो तुम्हारी पास की वजह से तुम्हें जज नहीं करेंगे। मुझे लगता है तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। एक पेशेंट एक नर्स के साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा होता है। दिन उसके पास जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो पेशेंट उसे बहुत ही रूडली कहता है कि चेकअप करो मुझ पर। दिन पेशेंट को चेक करता है। वो पेशेंट बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। दिन सोचता है, मुझे ऐसे लोग तो वायरस से भी ज़्यादा घिनौने लगते हैं। दिन पूछता है, तुम्हें कोई हेडेक, नौजिया या चीक में नमनेस हो रही है? पेशेंट ना कहता है और दिन पे गुस्सा होना स्टार्ट करता है। दिन उसे कहता है कि सही है, तुम इमरजेंसी रूम में पेशेंट हो, पर तुम्हारी कंडीशन उतनी सीरियस नहीं है। तुम्हें सिर्फ आईब्रो पे लगा है और एक दो स्टिचेस में ठीक भी हो जाएगा। वो इंटर्न को कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। डॉक्टर गैप्टन को दूसरे पेशेंट पे कंसल्ट करने बुलाता है। वो पेशेंट की हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है और दिन पेशेंट पे चेक करता है। और चेक करने के बाद कहता है कि पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा। उतने में दो पेशेंट्स आते हैं। दिन पहले पेशेंट को आईसीयू में भेजता है, पर दूसरा पेशेंट मर जाता है। प्रोफेसर साक दिन को उनके ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने सुना कि मेरा फ्रेंड का सन पास अवे हो गया है और वो तुम्हारे ईआर में एडमिटेड था। दिन कहता है, शायद आपने गलत सुना है। प्रोफेसर साक कहते हैं, दो लोग तुम्हारे डिसीजन की वजह से मरे हैं। दिन कहता है, जब मैं उस पर चेकअप कर रहा था तो पेशेंट को टेंशन हीमोथोरैक्स हुआ था, तो मैंने वो केस पे पहले फोकस किया। डॉक्टर तोय बोलता है, तुम डॉक्टर साक के फ्रेंड के सन पे फोकस नहीं कर सकते थे पहले? अगर तुमने किया होता तो वो बच गया होता। तुम अपना टाइम एक ऐसे पेशेंट पे वेस्ट कर रहे थे जिसके बचने के चांसेस ही बहुत कम थे, अनलेस तुम्हें ड्रंक रिलेटेड केसेस ट्रीट ही नहीं करने हो। हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें तिन की सिस्टर एडमिट होती है हॉस्पिटल में। प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर साक कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम वर्क पे बायस्ड हो। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर तुम एक थर्ड ईयर रेजिडेंट हो, तुम्हें ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे ईआर के प्रोफेसर से बात करनी चाहिए कि वो उसके ट्रेनिंग्स को कैसे ट्रेन करता है। दिन सोचता है, इनके साथ तो आर्ग्यू करने में कोई बेनिफिट नहीं है, और वो यॉन करता है। डॉक्टर दोए कहता है, ओए तुम एक प्रोफेसर के सामने खड़े हो। दिन कहता है, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें मुझे इन्वेस्टिगेट करना हो तो ईआर स्टाफ को कह दो, वो आके इवेल्यूएट कर लेंगे। दिन उसके फ्रेंड्स के साथ हॉस्पिटल के लाउंज में बैठा होता है। तो ये कहता है कि पूरा हॉस्पिटल गॉसिप कर रहा है कि अगला हेड डॉक्टर कौन होगा। गैप कहता है, उन्हें तुम्हें स्कोल्ड करने का कोई राइट नहीं है, वो तो ये डिपार्टमेंट के भी नहीं है। दिन कहता है, उन्होंने कहा कि वो उनके फ्रेंड का सन था। तो भी अगर आज वो लड़के का हार्ट बीट करना बंद नहीं किया होता तो हम उसे सीटी स्कैन ले जा पाए होते। तो ये कहता है, अभी छोड़ो ना, अभी हर एक केस का सोचने का तो तुम पागल हो जाओगे और तुम्हें मेंटल इलनेस हो जाएगी। वो सब घर जाते हैं। दिन टेबल पे हेड डाउन करके सोने वाला ही होता है तब उसे एक आदमी दिखता है। दिन सो जाता है तो दो उसे उठाता है और मेडिसिन देता है। दिन पूछता है, तुम घर नहीं गए अभी? तो वह कहता है, मैं क्यों जाऊंगा, अभी टाइम कहाँ हुआ है, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। दिन कहता है, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। तो वह कहता है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी शिफ्ट अभी है 4 बजे से मिडनाइट तक। दिन देख उसका डिनर वहीं पे होता है। दिन कहता है, एक मिनट, मैंने ये तो फेंक दिया था। वो पूछता है,
टाइम क्या हुआ है तोए? तो कहता है 9:50। दिन ड्रिंक लेने जाता है और स्टेटोस्कोप नीचे गिर जाता है। दिन सोचता है ये क्या हो रहा है। दिन सब कुछ फिर से एक्सपीरियंस कर रहा होता है और वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। इस पर जब वो तोल को हॉस्पिटल में लाते हैं, दिन वहाँ से दूसरे रूम में चला जाता है। वो सोचता है क्या हो रहा है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि ये सब पहले हो चुका है। कोई कहता है तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए। दिन जिंदा की तरफ देखता है, पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आ गए। जिंदा कहता है अगर तुम्हें ये एस्केप करना है वो लड़के को सेव करना पड़ेगा। दिन कहता है क्या? उतने में तोल मर जाता है। जिंदा कहता है अरे टू लेट, तुम्हें अगले साइकिल में मिलते हैं। अगली साइकिल में दिन जागता है। इस बार वो तोल को सेव करने का ट्राई करता है पर वो नहीं कर पाता। फिर से उस पर डॉक्टर साग चिल्लाते हैं। दिन सोचता है मैंने सब कुछ किया वो लड़के को सेव करने के लिए पर वो तो भी मर गया और हर बार उसके बाद मुझे नींद आना स्टार्ट होता है। दिन सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सच है, ये मैं ड्रीम कर रहा हूँ या कोई फैंटेसी है या किसी ने मुझे कोई ड्रग दे दिया। दिन फिर से सोने ही वाला होता है तब उसे जिंदा देखता है। जिंदा वो रूम से बाहर जाता है और दिन उसे फॉलो करता है। दिन पूछता है तुम कौन हो, क्या तुमने ये सब किया। जिंदा कहता है मैं जिंदा हूँ, कोर्ट ऑफ हेवन का चीफ जस्टिस। दिन कहता है नहीं ये सच नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरी सबकॉन्शियस में हो और मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ ये नाइटमेयर में से मैं बाहर कैसे निकलूँ। जिंदा कहता है ये कोई ड्रीम या हलूसिनेशन नहीं है, ये रियल है। दिन उसे बिलीव नहीं करता है। जिंदा कहता है तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, तुम जहाँ स्टार्ट हुए वहाँ पे वापस जाना होगा। दिन फिर से अगले लूप में जागता है और सोचता है सब कुछ पहले जैसे रीसेट हो चुका है, क्या मैं ये अलग तरीके से कर सकता हूँ, मैं कुछ अलग करने का ट्राई करूँगा। दिन स्टेटोस्कोप को साइड में से हटाता है और तोए से बॉटल लेता है। वो ईआर में जाके सब कुछ अलग तरीके से हैंडल करता है और इस बार जब तोल आता है तो उसके पास और कोई केस नहीं होता देखने के लिए, पर वो तो भी तोल को सेव नहीं कर पाता। एक और लूप जाता है पर वो तो भी तोल को सेव नहीं कर पाता। ऐसे कई और लूप जाते हैं। जब डॉक्टर साक उस पर चला रहे होते हैं तब दिन सोचता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए, घर जाना, ज़ेब्रा के साथ खेलना, या शायद मुझे एक चांस मिलना चाहिए वो केस फिक्स करने का जो गलत हो गया था। अगर मेरी एग्ज़ाम स्मूथली जाती है तो मैं यहाँ से मूव आउट करके ये सब के बारे में भूल जाऊँगा। हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखता है जब दिन की सिस्टर हॉस्पिटल में आती है एक कार एक्सीडेंट की वजह से। उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट एक ड्रंक ड्राइवर के साथ होता है और तब से दिन को ड्रंक ड्राइवर्स पसंद नहीं है। दिन फिर से तोल को सेव नहीं कर पाता। वो सोचता है मैं इसमें क्यों फंसा हुआ हूँ, मुझे अभी कितना कुछ करना है पर मैं कहीं भी नहीं जा सकता ये स्टूपिड टेस्ट की वजह से। क्या मुझे मेरी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी ये स्टूपिड किड को सेव करने के लिए। दिन फ्रस्ट्रेट होता है और जब जिंदा इस बार आता है तो उसके कॉलर से उसको पकड़ लेता है और कहता है ये स्टूपिड लड़का ही क्यों। जिंदा कहता है मैं ये आंसर नहीं कर सकता। दिन कहता है आंसर करना पड़ेगा। जिंदा कहता है तुम्हें आंसर चाहिए तो तुम वो लड़के को बचा लो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। दिन कहता है तुम्हें इतनी गेम्स ही खेलनी हो तो मेरी सिस्टर को हेल्प करने के लिए मुझे क्यों नहीं भेजते, ये ही लड़का क्यों, वो एक सेकंड चांस डिजर्व ही नहीं करता है, वो मरना ही डिजर्व करता है। जिंदा कहता है वो जो भी हो तुम्हें ये लड़के को बचाना होगा तो ही तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। दिन कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारे ये इरेशनल टेस्ट से बॉदर नहीं होने वाला, मैं आंसर खुद ही ढूंढ लूँगा। जिंदा कहता है तुम्हारी मर्जी। दिन सोचता है अगर आज रात में सो नहीं तो ये सब नॉनसेंस ख़त्म हो जाएगी। दिन बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम करता है पर वो तो भी सो जाता है। वो जब अगली बार उठता है तब सुबह के 7 बजे होते हैं। वो बहुत ही खुश हो जाता है कि वो लूप से बाहर निकल गया है। पिंग मेंशन करती है आज तुम्हारा लॉन्ग केस का प्रेजेंटेशन है, तुमने शायद रात को बहुत सारी पढ़ाई कर ली होगी। दिन कहता है एक सेकेंड,
ये तो हो चुका है, पिन पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। टिन फिर मिनी फ्रिज चेक करता है, वहाँ पे सारी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। वो डेट को चेक करता है और अभी जुलाई 18 ही है। और टिन को रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी लूप में है। टिन उसकी लॉन्ग केस एग्जामिनेशन में जाता है, पर सारे चीज़ों की स्ट्रेस के वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो हॉस्पिटल बेड में जाता है और सोचता है एटलीस्ट मुझे वो एग्ज़ाम कंटिन्यू करनी नहीं पड़ेगी। मुझे ये लूप में से निकलना है तो ये लूप की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। तीन नोटबुक में लिखता है, फर्स्ट मुझे वो लड़के को सेव करना पड़ेगा। अगर मैं उसे सेव नहीं कर पाया तो लूप फिर से स्टार्ट होगा, सब कुछ गोल गोल घूमता ही रहेगा। पर अगर मैं कोई अलग जगह पे सो जाता हूँ तो मैं उस टाइम पे जागूंगा जब वहाँ पे मैं लास्ट सोया था। पर अगर वो लड़का मरता नहीं है पर एक कोमा में चला जाता है या वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है तब क्या होगा? जिंता कहता है टाइम चलता रहेगा जब तक वो लड़का मर नहीं जाता। दिन कहता है, जिंता तुम कौन सी प्रॉब्लम लेके आए हो इस बार? जिंता कहता है, अगर मैं तुम्हें ये लूप में हेल्प नहीं करता तो तुम क्या वापस टाइम में जा सकते हैं? दिन कहता है, तुम सही कह रहे हो, पर अगर मैं टाइम में वापस जा सकता हूँ तो मैं ज़्यादा पीछे भी जा सकता हूँ। अगर मैं वो लड़के को वॉर्न करता हूँ उसके एक्सीडेंट होने से पहले। जिंता कहता है, तुम्हें पहले वो कौन है वो जानना होगा। तिन कंप्यूटर में चेक करने जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि अरे वो लड़का तो अभी आया ही नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड तो होगा ही नहीं। फिर वो प्लान करता है, इस बार मैं जल जैसा हो रहा है वैसे होने दूंगा और वो लड़के के आने के बाद उसका नाम पता कर लूँगा। ये लूप ख़त्म होता है और तिन को तोल का नाम मिल जाता है। तिन अगले लूप में तोल की यूनिवर्सिटी में जाता है और उसे कहता है, ध्यान रखना आज तुम मरने वाले हो, एक ही रास्ता है, तुम ड्राइव मत करो, ऐसा करोगे तो तुम बच जाओगे, समझ आया? और वहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। सो ये था ट्रियाज एपिसोड 1 का हिंदी ट्रांसलेशन। बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं क्यूरियस हूँ, क्या आप लोग ये शोज़ खुद देखते हैं या सिर्फ उनके ये ट्रांसलेशन वीडियोस ही देखते हैं? आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।